और उसके बाद हम सीधा वहाँ पे सुन 12 या 14 सेकंड खत्म होने लग गया वो भी हमारी फैमिली में 12 बजे कौन खत्म होता है 1 बजे तो अभी डीजे बंद करवाएंगे हम और गप्पे मारते मारते 3 बजेंगे हमारी फैमिली वहाँ से 1 बजे खत्म नहीं हुआ कुछ भी अरे भाई तन्नो 10 मिनट में और इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य अपने चाचा की शादी की तैयारी में लग चुका है और ये जो भाभी हैं जो चिल्ला चिल्लाकर बोल रही है देवर की शादी पार्ट 39 पार्ट 49 पार्ट 59 वो अपने छोटे से बच्चे को भी उन्होंने लगा लिया चाइल्ड लेबर इसे कहा जाता है हिंदुस्तान में लेकिन हम जो है इसे इग्नोर कर रहे हैं देखो जिद देखो भाई हम इसे कह रहे हैं काम मत करो ये कह रहा है मुझे काम करना है तो अगर आप देखें हिंदुस्तान की गाइडलाइंस है उनको लगता भी नहीं होगा कि 2 साल के बच्चे से कोई काम करा सकता है पर अब देखिए मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा मजदूर वही बनेगा जो डिजर्व करेगा लाइट्स लग रही है ये देखो लाइट्स या तो दुर्गा को बोल दो कि ये सामान उठा के अभी नीचे रखवा दे फिर जब सारा सामान जाएगा उसके साथ भिजवा देंगे तैयारियां चल रही हैं भैया टाइलें पड़ी हैं टूटी टूटी और बोरियां पड़ी है 4-5 और ए, पता नहीं लकड़ी का बहुत बड़ा सा कुछ पड़ा हुआ है डाइनिंग आया था इसमें जिसमें डाइनिंग आया था वो वाला पड़ा हुआ है कैच कर लो छोटी कैच करो कैच करो कैच देखते ही यहाँ तो काम निपटा दिया भाई इन्होंने वाह दादा दादा और भापा जी सोरा मतलब और ग्रोवर जी और मिंटू और मन्नो और ये विरान ये 7 हो गए ना 7 पीढ़ियां देख ली आपने 7 पीढ़ियां देखी है 7 मैं सच कह रही हूं झूठ नहीं बोलूंगी हाँ मैंने देखा है सबको सबसे अच्छी पीढ़ी कौन सी लगी आपको पापा जी की बहुत अच्छी लगी अच्छा वो अच्छी और उनके सामने मैं इतना धैर्य नहीं पापा जी के सामने तो इसका मतलब आपने एक टेक्नोलॉजी आपने नई टेक्नोलॉजी देखी पुराने जमाने से लेकर जब चिट्ठियां चलती थी और अब व्हाट्सएप चलता है बड़े पापा 7 पीढ़ियों के नाम लिए जाएं मोहनदास ग्रोवर रामदत्तमल ग्रोवर सरदारी लाल खेराती सिंह बलदेव राज ग्रोवर कमल ग्रोवर गोरांग ग्रोवर विरान ग्रोवर अभिनव ग्रोवर तू नहीं है पीढ़ी में बड़ी मना कर रही है मैं इसमें नहीं नहीं ऐसा है ये तो चारों का लिखा सारा नहीं ये चारों का लिखा है चारों, हाँ, चारों। अरे तो बड़ी मम्मी पीढ़ी में धूला नहीं है अरे लेकिन मुझे एक बात बता कि इससे पहले का क्या है साहब अरे हम ऋषि कश्यप की संतान है पंडित जी कह रहे थे वहाँ से पीढ़ी बताओ ना अरे वहाँ से कैसे बताओ हाँ तो सूर्य सबसे पहली पीढ़ी आ गई सूर्य 8 पीढ़ियां हो गई बड़े पापा कह रहे सूर्य के बेटे हैं ऋषि कश्यप तो हमारे पास 2 पीढ़ियां और आ गई सूर्य और ऋषि कश्यप उसके बीच की कहाँ है अच्छा अगर हम सब याद करें जैसे आपको याद है 7 पीढ़ियां तो मम्मी जी को भी याद होती तो पीछे जाते रहे तो हमें मिल जाएगा सब हिसाब पीछे ना और पीछे याद कौन करेगा पीछे में पीछे के ना गए होते तो घर की फौज होती फौज पूरी घर की होती हमारे पीछे ना गए होते तो किसी से लड़ाई झगड़ा होता पूरी फौज आ जाती छोटी है कांच के घर की टाइलें उठाते हुए हाथ कट चुका है दिखाइए हाथ दिखा
शगुन हो गया बड़ी मम्मी, शगुन हो गया, हाथ दिखा, बड़ी मम्मी ने मुंह छुपा लिया, शगुन हो गया, इसी अंगूठे से मांग भरनी है इसलिए खून निकाला है इसने, इसलिए कहा जाता है दूल्हा काम नहीं करेगा, खून भरी मांग और दूल्हे के भाई को काम करना है, मैंने तो उठाया सारा, मैंने ही उठाया यार, हजारों फंक्शन लाखों काम, आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है। दो भाई बर्तन धो, सफाइयां करो, और जगह भी देखने की कहां लगाएं, तैयारियां सब कुछ ही तो होती है, यहाँ 6-7 लोग लगे पड़े हैं एक इंसान पे। यहाँ मैं अकेले जाऊंगा, एक फेस वॉश यूज करूंगा, बस खत्म। भाई दिल्ली की गाड़ी बड़ी लेट आई है लेकिन ग्लैमरस आई है, ग्लैमरस एकदम भाई, ट्विनिंग चल रही है, ट्विनिंग भाई, तुम्हारे बिना मजा नहीं आ रहा था पार्टी में, फटाफट यार पार्टी में जान डालो। एक साथ जाएंगे, एक साथ फूंक मारेंगे, किस करेंगे, एक साथ ही खिलाएंगे, और रील बनाएंगे। सॉर्ट इट, थ्री करे भाई, 3-2-1 गो। अब नहीं हो पाएगा भाई, सबसे जूनियर ये भाई है क्योंकि इनका तो पेंडिंग है, हम सबका एक एक अकाउंट है। माँ यहाँ है, नैनी भी यहाँ है, बाप तो चलो उसको बहुत काम है, लेकिन बच्चा जो है वो कहाँ है। हाँ जी आप बोलिए, आप बताइए। ओहो ये खड़े हो गए अपना कमर पे हाथ रख के, बताइए बताइए। हाँ जी हाँ जी, बहन की रक्षा करने के लिए, ये तो स्पाइरा के लिए खड़ा हुआ है, सौम्य के लिए। हाँ मुझे सब्जी खिलाई है। हेलो मैम, कहाँ गए थे आप अभी बताओ? पातू के घर। पातू का घर कहाँ पे है? लंदन। ओए लंदन गए थे? हाउ वाज लंदन? एरोप्लेन डू मैं सो रही थी मम्मा के ऊपर और एरोप्लेन डू नहीं पता, डू भी नहीं होगी। देख रही है मैं, देख रही है क्या? फिर आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गई। अरे ये रॉकेट, रॉकेट नहीं है, इसको फोर्स ही होता है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, गुराम हेल्पी उसका हाँ। मेरा ही फ्रेंड है तो उसको कांटेक्ट कर, विदिन वन आवर ही टोल्ड मी कि आप यहाँ पहुँचो। मैंने कहा ठीक है हम रात को जाते हैं, अभी हम अपने वापस होटल चले जाते हैं, होटल गए, उन्होंने कहा सोल्ड आउट, आपके पास कोई रूम्स नहीं है। मैंने बोला मैंने कहा क्या कर रहे हैं, वापस कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बुक कर पा रहे। फिर गोराम के फ्रेंड ने एक्चुअल में अपने फ्रेंड को बोला, उन्होंने हमें अपने घर इन्वाइट करा, उनके रात मेरे चाय मैगी खाकर बेबी सीट लेकर निकले। फिर मतलब हम गए कैसे कैसे हो जाता है ना बाहर एक्चुअल में। ये भी आएगा, ये भी आएगा, सबसे गंदा था बेल्जियम तो मिस हो गया, एम्स्टर्डम जाना था, इसके लिए सीट ली। जब हम सीट लेके पहुंचे ना बस वाला, बस वाला कह रहे नो नो, मैंने बोला इसी को मारो।
ओचो व्हाट द फक। तो वो बेबी सीट वहाँ पे दो कंपनी है, एक फ्लिक्स है और एक और है, ये एक बाबला कार है, बाबला और एक फ्लिक्स है, बाबला की रिक्वायरमेंट थी और फ्लिक्स बनी थी। हम यहाँ भी फंसे मैंने बोला, और 10 किलो की बेबी सीट मैंने पहले क्यों नहीं बताया तो तुम ये ओ फक मैन। हम पेरिस 3 दिन तो ब्रजल्स घूमे ही नहीं, ये तो हो गया बढ़िया। अगर कभी भी पेरिस में कभी भी आगे से कोई बात हो तो आप गुरांग को नहीं, गुरांग की दादी को या मेरे को फोन करो। ये आधार कार्ड पे कई जगह घूमे यार, वो इतनी बार पेरिस जा चुकी है पता होगा। पापा एक बात बताओ, ये जो आप पापा जी को बता रहे हो ये क्या दादी की पीढ़ियों में नहीं आती है? ये लड़की हमारी पीढ़ी में से ही है। कॉलेज की बात है, कॉलेज की वीडियो बनाई नहीं, वीडियो क्यों बनाए भाई, बनती है 13-14 की बात है। ये लड़का मेरे साथ आया था जब मैं स्कूल से रस्सी गेट होने वाला था। नहीं, मैं सस्पेंड होने वाला हूँ और आप कह रहे हो सूट पहनो जींस पहनो, क्योंकि पापा थे नहीं, पापा बैंगलोर गए हुए थे। डिंगरा के पापा आए थे शायद, डिंगरा की मम्मी आई, मेरे पापा आए थे लेकिन दो हफ्ते बाद। मैं घर पे थी। हाँ घर पे थे, लेकिन आपने कहा सूट पहनो जींस पहनो, कैसे चल रहा है? ओ काफी लोग वेट कर रहे हैं, चलो चलो। अरे क्रैश क्रैश करनी है क्या भाई? चले गया, चलो भाई रात के 3 बज रहे हैं, लेट्स क्रैश द वेडिंग। ब्राइड को कोई आइडिया है? नो आइडिया एट ऑल, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब अपने ओरिजिनल अटायर में जा रहे हैं और एक ये लड़की है जिसने अपना नाइट सूट पहन लिया है। तू थक गई है, बस तू थकी है और कोई नहीं थका इस दुनिया में। सब थके हैं, सबके ऑप्शन नहीं है। पर लेट्स एंजॉय, हम टेक्नो वाले बंदे हैं सारे यार। अब तो पंजाबी बजाएंगे यार, हमारा भाई मोनू बजा रहा है, कोई डीजे थोड़ा बजा रहा है। डर क्यों रहा है? मैं डर नहीं रहा, वो तू डर 10 मिनट ही दे दे हमें 10 मिनट। अरे कल हमने पहले भी ऐसे ही प्लान किया था कि आज का बने ना बने वो ठीक है, आपका एंगेजमेंट चलेगा। यार मेरे को गाड़ी चलाने दो 10 मिनट के लिए, अगर चलानी है तो मुझे ऑटोमेटिक चलानी है। वो देखो कह रहे हैं मेरे को सनरूफ से मुझे हम तीनों को सनरूफ से बाहर निकाल। अरे हमें अपने परिवार के डिस्कशन से दूर ले गया ये बंदा। बोले श्रेया भा, ये देखो गरीब लोगों को देखो, एक सेकंड में ये दुबई रहती है, टैक्स ही नहीं है वहाँ। मेरे को पापा निकलने नहीं देते, वो कहते हैं कि चलान करते हैं। नूरू मेरी मम्मी को जो दीदी बैठी है ना, आप नूर नूर जाएं शिवांगी दीदी के पास, कल जाएं आज जाएं अभी चलें। ये सब सोच रहे हैं ना बेटा क्या करें, छोटी नहीं है आने की, हमको चलते हैं। क्या वो दोस्तों बताओ नहीं भाई, ये इतनी देर तक बेचारे अरेंज करते रहे, ये सब हो रहा है यार। मैं तो कह रहा हूँ चलो अभी चलो, 10 मिनट की मोमेंट हो भैंस की, 20 मिनट की हो, हम भी रेडी हैं भाई। बट बैंक सिस्टम खत्म और उसके बाद हम सीधा वहाँ पे। सुन 12 या 14 सेकंड खत्म होने लगे, वो भी हमारी फैमिली में। 1 बजे तो अभी डीजे बंद करवाएंगे हम, और गप्पे मारते मारते 3 बजेंगे हमारी फैमिली आ जाती, 1 बजे खत्म नहीं हुआ कुछ भी। अरे भाई तन्नो तन्नो, ये 2 मिनट में लेके सगन पे मोहब्बत पहुंच गया। बाय बाय। सगन में कितनी देर है भाई बताइयो, कितनी देर रह गई सगन में? 6 बजे ओके बाय। चलो भाई ठीक है भाई, ओके भाव जी ओके। ये तो जा रहे हैं अपनी हेलमेट चलाने जबरदस्त।